माई चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी मेरा फर्स्ट टाइम ओटी एक्सपीरियंस एज अ नर्सिंग स्टूडेंट। आज हमारा पहले दिन ओटी में ड्यूटी लगा था, जो कि है सर्जरी ओटी। यहाँ पे अलग अलग डिजीज़ के पेशेंट्स आते हैं और बहुत माइनर ओटीज भी होती हैं और बहुत मेजर ओटीज भी होती हैं। तो जब मेरा फर्स्ट ओटी ड्यूटी लगा था, वहाँ मैंने एक्लेजिया कार्डिया का एक पेशेंट का सर्जरी देखा था और उसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज थी, क्योंकि वो सर्जरी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक चली थी, जो कि हमें अगले दिन पता चला था वहाँ पे जो नर्सिंग ऑफिसर मैम थी उनसे, क्योंकि हमारी तो छुट्टी हो जाती है 1 बजे ही। वो एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी थी और उसमें ईसोफेगस से लेकर उसके लिवर के नीचे से पैनक्रियास से हर जगह एक्सेसिव मसल ग्रोथ हो गया था, जिसकी वजह से उसको कोई भी चीज़ फूड या फिर कोई भी चीज़ सॉलो करने में बहुत ज़्यादा पेन होता था। और वहाँ के डॉक्टर्स इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, इतने स्किल्ड थे कि उन्होंने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू पूरा एक्सेसिव मसल ग्रोथ रिमूव कर दिया और ये बहुत ही इम्प्रेसिव था। हम लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे देखकर, क्योंकि हमारी पहले दिन ओटी में ड्यूटी लगी थी। तो ये मेरे लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर सेकेंड डे जब हम लोग ओटी में गए थे तो हमारे एक सीनियर बॉस थे, उन्होंने हमें लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया और ये सब चीज़ें जानकर ऐसा लगा कि हम बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो रहे हैं, लेकिन ये बहुत छोटी और माइनर चीज़ हमें सीखने को मिली। और फिर तीसरे दिन जब हम लोग ओटी में गए तो हमने हाइड्रोसील का ऑपरेशन देखा। वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था पहली बार देखने में, मुझे ऐसा लगा कि सुबह के पराठे बाहर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी किसी तरीके से हमने हिम्मत करके देखा हाइड्रोसील का ऑपरेशन। पहली बार देखना थोड़ा सा अनकंफर्ट। हाइड्रोसील एक ऐसी बीमारी है जिसमें टेस्टिकल्स में एक्सेसिव फ्लूइड भर जाता है, फिर उसको सेक्शन के थ्रू ड्रेन आउट किया जाता है। और डॉक्टर्स ने इतने स्किल्ड तरीके से, इतने अच्छे तरीके से उस सर्जरी को परफॉर्म किया कि हम सारे इम्प्रेस हो गए थे। और वो थोड़े 41 ईयर्स के थे और थोड़े बूढ़े भी थे, बूढ़े नहीं कहेंगे उनको, लेकिन हाँ थोड़े वीक थे। उसके बाद हमने एक नेल रिमूवर सर्जरी देखी, उसका डायग्नोसिस मुझे नहीं पता चल पाया, लेकिन उसमें भी उन्होंने पहले एनेस्थीजिया दिया। एनेस्थीजिया भी बहुत केस सेंसिटिव होता है, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ध्यान से देनी पड़ती है। अगर कम ज़्यादा हो जाता है तो फिर उससे पेशेंट जो है डेथ में चला जाता है या फिर ब्रेन डेड हो जाता है या कोमा में भी जा सकता है। इसीलिए एनेस्थीजिया के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा स्किल्ड होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो एनेस्थीजिया दिया गया था वो लोकलाइज था, मतलब उस पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन के आसपास दिया गया था, तो उतना खतरनाक नहीं था। लेकिन जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी मैंने देखी थी उसमें पूरा इंसान को बेहोश कर दिया गया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंसीजंस के थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स अंदर डाले जाते हैं, उसमें कैमरा होता है, टेलीस्कोप भी अंदर डाला जाता है, पूरा मॉनिटर में अंदर का ऑर्गन दिख रहा होता है, फिर उसको वहाँ से रिमूव करा जाता है। तो ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा मुझे लगा कि बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। किसी भी चीज़ के लिए आपको ऐसा नहीं है कि फैसिलिटीज़ नहीं है, और यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो भी बहुत स्किल्ड हैं और आपको एक्सपेंसिव भी उतना नहीं पड़ेगा, प्राइवेट वगैरह में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है गवर्नमेंट के थ्रू। अभी तो हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ अगर गलती कर भी देते हैं थोड़ी सी डांट पड़ती है, लेकिन फिर हम अपना काम करने लगते हैं। लेकिन जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तब आपको वो काम बहुत ज़्यादा सीरियसली करना पड़ता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के बाद और फिर सब चीज़ों को संभालना, और उसमें भी कभी कभी मिस हैपनिंग्स हो ही सकती हैं, इसीलिए शायद मेडिकल प्रोफेशन को इतना थोड़ा टफ़ माना जाता है, डिफ़िकल्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी इंसान की लाइफ के साथ डील कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी जब तक रिस्क ना हो तब तक मज़ा कहाँ होता है। इसीलिए आई होप कि आप लोग भी यहाँ पर जल्दी से एडमिशन लें, अपने कोर्स में इनरोल करें और बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखें। एंड तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।